दोस्तों आज के समय में गूगल मैप के जरिए लाखों की संख्या में लोग अपना रोजाना का सफर तय करते हैं। इसने हमारी लाइफ को इतना आसान बना दिया कि हमें जब भी मैप की जरूरत होती है तो हम सबसे पहले गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप में भी एरिया 51 से लेकर बेकर लेक कनाडा तक ऐसी बहुत सी जगह है जो वो हमसे छुपाता है। आज हम आपको द मिस्टिका लैंड पर गूगल मैप पर छुपाए जाने वाले कुछ ऐसे ही सीक्रेट और वियर जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने सुना भी ना हो। नंबर वन, नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस जगह को हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, जहां आपको सख्ती, एडवेंचर, लिमिटेशन और कड़ी सजा जैसी हर चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहां किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर अकेले जाना चाहेंगे तो उसकी इजाजत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां आपको टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाने के लिए भी हमेशा अपने साथ एक गाइड को रखना होगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इस देश के बारे में कभी गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो आपको हरे पेड़ और शहरों के नाम से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। हालांकि गूगल मैप ने अपना एक्सपेंसिव मैपिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका 18वां वर्जन 2009 में आया। अपने उसी प्रोजेक्ट के चलते गूगल अर्थ ने नॉर्थ कोरिया की थोड़ी बहुत जगह अपने सैटेलाइट के जरिए कवर की। लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसी बहुत सी जगह है जो गूगल अर्थ से छुपी हुई है, जिनका कोई पता नहीं। नंबर टू, सीक्रेट मिलिट्री बेस ताइवान। दोस्तों ताइवान और चाइना के रिश्ते तो किसी से नहीं छिपे। ताइवान को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही रेगुलेटिंग कंट्री चाइना से रहता है। ताइवान ने सिक्योरिटी रीजन के कारण ही गूगल मैप से अपना सीक्रेट मिलिट्री बेस हाइड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों वहां की सरकार तब चौंक गई जब 2019 में गूगल मैप ने गलती से ताइवान के मिलिट्री बेस को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ ताइवान ने गूगल से बातचीत की और उस हिस्से को ब्लर करने के लिए कहा, क्योंकि वहां ऐसा कहा जाता है कि वहां एक सीक्रेट मिलिट्री बेस, छोटा एयरपोर्ट, हॉस्पिटल और लाइट हाउस जैसी कई सीक्रेट चीजें हैं। नंबर थ्री, एरिया 51। एरिया 51 के बारे में शायद ही ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन जो ये जानते हैं कि एरिया 51 क्या है तो उन्हें ये भी पता होगा कि वो एक ऐसी जगह है जहां एक आम इंसान का जाना पूरी तरह से बैन है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि एरिया 51 में अमेरिका का एयरफोर्स बेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ये आज तक किसी को नहीं पता। तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ एलियंस देखे गए हैं और यहाँ उन पर रिसर्च होती है। दोस्तों यहाँ आपको कई जगहों पर चेतावनी भरे बोर्ड भी लगे हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे इलाके की सुरक्षा में आर्मी के जवान तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि एरिया 51 के ऊपर से किसी भी तरह के विमान को उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका के नक्शे में भी इस जगह का कोई जिक्र नहीं है, और अगर आप इसे गूगल मैप पर भी सर्च करेंगे तो भी आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको गूगल मैप पर दिखाई नहीं देगा। नंबर फोर, एलेक्सी मिलर्स हाउस, रशिया। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं वो किसी एरिया या देश की नहीं बल्कि एक घर की है, जो आपको गूगल मैप पर साफ दिखाई नहीं देगा। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस घर में ऐसा क्या है जो गूगल मैप ने उसे ब्लर किया हुआ है, तो हम आपको बता दें कि ये घर है एलेक्सी मिलर का, जो गैस पॉम कंपनी के सीईओ है। इनकी कंपनी रशिया की सबसे बड़ी गैस और ऑयल कंपनी है। एलेक्सी एक बहुत पावरफुल इंसान है जिनकी नेटवर्थ ही बिलियन डॉलर्स की है। वो जिस घर में रहते हैं उनकी सिर्फ एक या दो ही फोटो आपको देखने को मिलेगी, जिन्हें असली माना जाता है। लेकिन अगर आप गूगल मैप में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर को देखेंगे तो वो भी आपको साफ दिखाई देगा। तो सोचिए कि एक सीईओ को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसे गूगल मैप से अपना घर हटवाना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एलेक्सी के घर के पास सीक्रेट गैस और ऑयल ऑपरेशन चलाए जाते हैं। अब दोस्तों कोई इतने पैसे वाला और ताकतवर हो तो उसे पैसे देकर अपना घर दुनिया से छुपाना कोई बड़ी बात नहीं। नंबर फाइव, बेकर लेक कनाडा।
दोस्तों कनाडा एक खूबसूरत देश है जहां बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे गूगल मैप पर देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि कनाडा की बेकर लेक का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो गूगल मैप पर ढका हुआ दिखाई देता है। दोस्तों यहां पर ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं कि इस लेक के आसपास गवर्नमेंट एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और यहां स्पेस शिप के नेविगेशन सिग्नल्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट का तो कुछ और ही कहना है कि इस लेक के पास सिर्फ 4G नेटवर्क्स के टावर लगे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों अगर ये सिर्फ इसलिए है तो सोचने वाली बात यह है कि इसे गूगल मैप से छुपाने की क्या जरूरत पड़ी, और अगर हम गूगल मैप से किसी चीज को छुपाते हैं या तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर हम उसे ज्यादा से ज्यादा ब्लर करते हैं। पर यहाँ तो इस प्लेस को गूगल मैप पर पूरी तरह से ब्लैक स्ट्रिप से छुपा दिया गया है। नंबर 6, जियांटी आइलैंड रशिया। दोस्तों जियांटी आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है जो कि 1.3 मील में फैला हुआ है। ईस्ट साइबेरियन सी में ये आइलैंड आपको गूगल मैप पर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ दिख जाएगा, लेकिन दोस्तों गूगल मैप ने इस आइलैंड को ब्लर करने का असली कारण आज तक नहीं बताया। ऐसा कहा जाता है कि ये रूस और यूएसए का आइलैंड है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में हमेशा कुछ न कुछ झगड़ा होता रहता है। नंबर 7, सैंडी आइलैंड। दोस्तों इस आइलैंड को करीब कई सालों पहले फ्रेंच टेरिटरी न्यू कैलिडोनिया के पास देखा गया था। इसके साथ ही कैप्टन कुक ने भी अपने चार्ट में इस आइलैंड को 1774 में दर्ज किया था। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि 2012 तक इस आइलैंड को गूगल मैप पर दिखाया जाता था, लेकिन अगर आप लोग अब इसको गूगल मैप पर इसके कोऑर्डिनेट के साथ ढूंढेंगे तो ये आइलैंड आपको दिखाई नहीं देगा। ये पहला ऐसा आइलैंड है जो एक बार दिखा और फिर गायब हो गया। नंबर 8, हार्प, यूएसए। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के अलास्का में हार्प के जरिए मौसम को बदलने की प्रक्रिया पर काम किया जाता है, और इस प्रोग्राम के जरिए हम जब चाहे तब भूकंप, सुनामी जैसे तूफान भी ला सकते हैं। इस रिसर्च को वहां की यूएस नेवी, एयरफोर्स, अलास्का यूनिवर्सिटी और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च लेबोरेटरी ने जॉइंटली फंड किया था, इसीलिए इसे खतरनाक मानते हुए 2014 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब दोस्तों ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने खतरनाक जगह कोई टूरिस्ट प्लेस तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए ही शायद इसे गूगल मैप ने ब्लर किया होगा। नंबर 9, कांगटिका पीक, नेपाल। कांगटिका, जिसे दी स्नो सैडल के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों ये नेपाल में एक हिमालय है। इसकी ऊंचाई लगभग 6782 मीटर है। इस हिमालय की ऊंचाई जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही हैरान करने वाली है इसकी चोटी। जी हाँ, क्योंकि गूगल मैप ने इसकी चोटी को पूरी तरह से छुपा दिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक चोटी पर ऐसा क्या हो सकता है जिसे छुपाया जा सके। क्या चाहते हो? तो आपको बता दे कि इसे लेकर ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं, जैसे यहाँ नेपाल का कोई सीक्रेट बंकर बना हुआ है जिसे किसी न्यूक्लियर अटैक के समय इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों वैसे तो ज्यादातर देशों में ऐसे न्यूक्लियर बंकर बनाए जाते हैं जिनमें सब तरह की सुविधा होती है, और साथ ही इन्हें बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। नंबर 10, जाज हालोमबता ऑयल रिफाइनरी, हंगरी। दोस्तों अगर आप गूगल मैप पर हंगरी की जाज हालोमबता ऑयल रिफाइनरी सर्च करते हैं तो आपको वहां का पूरा एरिया ग्रीन दिखाई देगा। गूगल ने वो एरिया ऐसे छुपाया है जैसे मानो वहां कुछ हो ही ना। कुछ लोगों का कहना है कि आपको वहां ऑयल रिफाइनरी की जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही नजर आएगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कुछ सोर्स के मुताबिक इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है। कुछ रिसर्चर्स की माने तो ये गवर्नमेंट या प्रॉपर्टी ओनर की रिक्वेस्ट की वजह से भी ऐसा किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि ऐसी कितनी जगह है जो गूगल मैप पर नहीं दिखाई देती। अगर आपको भी किसी ऐसी जगह के बारे में पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दें ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियोस को सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।